हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आप लोगों को पता है यार, Xiaomi के स्मार्टफोन हो या फिर कोई और ब्रांड के स्मार्टफोन हो, उनमें यार एडवर्टीजमेंट आती रहती है, यानी कि एड्स। और भाई ये जो एड्स हैं, हे राम, और ये जो एड्स हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती हैं। और भाई मेरे को भी तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास Redmi Note 8 Pro है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखो गाइस, ये आपके सामने है। ये अभी मैंने फ़ोन अनलॉक किया और ऐड आने लग गई, ये देखो। तो मतलब क्या भाई, क्या चाहिए हमें, क्या ज़िंदगी में और क्या चाहिए एड्स के अलावा, और क्या भाई हमें सिर्फ और सिर्फ एड्स चाहिए। तो आप लोग अगर कोई से भी स्मार्टफोन के अंदर अगर Xiaomi का यूज़ करते हो, तो आप लोगों को UI के अंदर एड्स देखने को मिल जाती हैं। तो मैंने सोचा आप लोग क्यों ना बताया जाए ये जो एड्स हैं ये बेसिकली हैं किस लिए, और क्या है इसका बिहाइंड द रीज़न, और कैसे भाई ये Xiaomi जो है बिल्कुल ऐसे पैसे कमा रहा है, क्या है मतलब बेसिक चीज़। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो देखो यार, आप लोग अगर कोई सा भी फ़ोन देखते हो Redmi का, तो आपको जो प्राइसिंग है यार, वो काफ़ी रीज़नेबल देखने को मिलती है। मतलब फ़ोन जो है काफ़ी महंगे नहीं आते हैं, है ना। आप जैसे Redmi K20 देख लो, आप लोग K20 Pro देख लो, 25,000 के अंदर आपको Snapdragon का 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है। काफ़ी एक बढ़िया स्क्रीन है, काफ़ी एक बढ़िया डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे कैमराज हैं, तो फ़ोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो 25,000 के अंदर मिल रहा है। अगर आप वहीं किसी और अच्छी ब्रांड में चले जाते हो, चलो फॉर एग्जांपल OnePlus 7T आ जाता है 38,000-39,000 का, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है 14,000-15,000 रुपये तक का उन फर्क में। अब ये जो 15,000 का डिफरेंस है, यहाँ पे ये कैसे मैनेज होता है, चलो आप लोग, ये थोड़ा बड़ा डिवाइस नहीं, हम छोटे डिवाइस की बात कर लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल हम लोग Redmi Note 8 Pro का ले लेते हैं। 15,000 का ये डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर आप लोग काफ़ी एक अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आपको इसके अंदर देखने को मिलता है एक MediaTek Helio G90T प्रोसेसर, काफ़ी एक बढ़िया डिज़ाइन, कॉर्निंग ग्लास 5K प्रोटेक्शन के साथ है, डिस्प्ले काफ़ी एक अच्छी है, कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, तो ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये फ़ोन आता बहुत ही कम रेंज के अंदर है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, अगर आप लोग ऐसे देखते हो ऑन चीज़, तो Redmi जो है भैया पीछे से पैसा कमाने की एक ये स्ट्रैटेजी निकाली है कि हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं फ़ोन्स के अंदर। अगर आप देखो तो MIUI के अंदर ये आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप इसे डिसेबल कर सकते हो, लेकिन MIUI के अंदर इसको बिल्कुल टोटली डिसेबल नहीं कराया गया है Xiaomi की तरफ से। वो तो इसको दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है भैया, आपको चलानी है नहीं चलानी। और भाई बंदा जब पैसा दे रहा है तो वो क्यों चाहेगा फालतू के ऐड आए हमारे फ़ोन पे। सही बात है यार, ये तो सिंपल और सीधी सरल सी बात है। तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ जो मेन है, वो ये है कि जब एडवर्टीजमेंट आती हैं तो मेन, अगर आपका फ़ोन सस्ता है तो फ़ोन सस्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा जो है और सोर्सेज से कमाया जाता है। आपने देखा होगा आपके फ़ोन के अंदर अमेज़न की ऐप होगी, जो फ़ोन अमेज़न एक्सक्लूसिव होते हैं, जैसे सैमसंग के हो गए, कभी कभार फ्लिपकार्ट की होती है, व्हाट्सएप भी होता है, फेसबुक भी होता है, तो ये ऐप जो है प्री इंस्टॉल क्यों आती हैं, आपने कभी सोचा? ये आती हैं क्योंकि ये जो एप्लीकेशन कंपनीज हैं वो फ़ोन मैन्युफैक्चरर को पैसे देती हैं कि आप हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में प्री इंस्टॉल भेजो, भले ही बंदा वो यूज़ करे या ना करे, लेकिन उसकी नज़र ज़रूर पड़ेगी उसके ऊपर, तो उनकी कहीं ना कहीं तरीके से एडवर्टीजमेंट ज़रूर होगी। और अगर वो फ़ोन बहुत ही बिकने वाला है, जैसे Xiaomi का या फिर Realme का या फिर Samsung का या फिर Vivo का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा WhatsApp, Facebook होता ही होता है, Instagram भी होता है, तो ये Facebook जो भाई Mark Zuckerberg है इनके, वो बिल्कुल ऐसे पैसा बेचते हैं इनको भाई बल्क में, और बोलते हैं भैया हमारे तो तुम्हें एडवर्टीजमेंट करनी ही करनी है, तुम और कुछ कर नहीं सकते। तो देखो यार, अब इधर से जो है इनका मेन रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है एप्लीकेशन से, जिसके ऊपर हमें भी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है, आपत्तिजनक। बट अब जो मेन एक और दिक्कत आती है वो है कि आप लोगों जो फालतू की एड मिल रही हैं, तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि भैया जितना पैसा आता है, कहते हैं ना हम, मेरे को कहते हैं कि लक्ष्मी जितनी भी आ जाए सभी को कम लगती है, तो वो ये जितना पैसा यार कंपनी को मिल रहा है कम ही है। अब Xiaomi के प्रोडक्ट्स बिकते ज़्यादा हैं, उन्हें प्रॉफिट इस पर कम रहता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखो कुछ, उनका पता ही अलग ही फंडा है, बट फोन पैसे मिलते यार बनते सस्ते में ही है, जब इतना बड़ी चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बहुत सस्ते में बनते हैं, लेकिन फिर भी भाई उन्हें प्रॉफिट तो चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसा कमाना है, रेवेन्यू कमाना है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं जो कि कंपनीज जो हैं फालतू वाली ये इनको देती हैं। कई अच्छी कंपनीज हैं, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे भाई उठपटांग ऐड आ जाती है भाई, कौन सी पता नहीं, हेलो ऐप, लेलो ऐप, लाइक ऐप, हाइक ऐप, पता नहीं कौन कौन सी, भाई आपने ज़िंदगी में नाम नहीं सुना होगा ऐसी एप्लीकेशन, इस फोन के अंदर आप लोगों को ऐड देखने को मिल जाएगी। अब भाई जिस बंदे ने पहली बार फ़ोन लिया रेडमी का, वो तो पागल हो जाएगा, भाई ये क्या हो रहा है मेरे फ़ोन पे, है ना भाई, वो सर्विस वो सर्विस सेंटर पहुँच जाएगा, भाई क्या है ये। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे सिंपल बात ये है कि भैया Xiaomi आपसे अगर पैसा कम ले रहा है, तो वो पैसा उसको कम, ये नहीं आप लोग सोचो कि उसको पैसा कम मिल रहा है भाई, यहाँ पे करोड़ों की बातचीत है, करोड़ों अरबों की बातचीत है, यहाँ पे सस्ते में कुछ काम नहीं चलता भाई।
तो वही है मेन चीज़ आपकी शॉमी जो है कहीं ना कहीं से रेवेन्यू हर जगह से मतलब इकट्ठा करना चाहता है, कहीं ना कहीं से तो नहीं हर जगह से इकट्ठा करना चाह रहा है, दैट्स वाई आपके फ़ोन के अंदर एडवर्टीजमेंट आती हैं। ये तो हो गया बड़ा क्वेश्चन सॉल्व। वैसे काफ़ी लोगों को पता होगा मैंने कुछ ऐसा साइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं आप लोगों को दिखा दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर फाइंड एक्स वाला कुछ ऐसे नहीं बताया, सिंपल चीज़ थी है तो सभी को वैसे पता होगी ज़्यादा, लेकिन फिर भी यार काफ़ी लोगों को नहीं पता तो थैंक यू सो मच। बट आप लोग अब जो मेन चीज़ें इन्हें डिसेबल कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, अगर जैसे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर काफ़ी एड्स आती हैं MIUI के अंदर, तो आप लोग फाइल एक्सप्लोरर की सेटिंग में जाके या तो उसको डेटा जो है वो डिसेबल कर दो, उसे डेटा ही मत अलाउ करो, और साथ ही साथ आप जो ऐड आती है तो उस पर कहीं ना कहीं ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, तो आप लोग डिसेबल कर सकते हो। तो देर आर सम लाइक प्रिकॉशंस जो कि आप लोग ले सकते हो जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा जो फ़ायदा है वो मिल जाएगा और आपका पूरा का पूरा जो एंटरटेनमेंट है वो हो जाएगा। एंटरटेनमेंट वाह। तो बस यार यही है वाई देर आर एडवर्टीजमेंट इन Xiaomi फोन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी यार लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।